चाणक्य आई ए एस अकेदमी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिसीमन की वह इसलिए क्योंकि हाल ही में दक्षिण की एक पार्टी है मतलब दक्षिण भारत की एक पार्टी है जिसका नाम है भारत राष्ट्र समिति और इसके एक नेता टी रामा राव ने ये अपील की है दक्षिणी राज्यों से कि दो के बाद जो परिसीमन होगा उस परिसीमन का दक्षिण राज्यों के जो पॉलिटिकल पार्टी हैं राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका विरोध करें अब इसकी वजह क्या है तो वजह ऐसा नहीं है कि कोई नई वजह है ठीक वही बात हो गई कि, कि किसी नई बोतल में आप पुरानी शराब को रख रहे हो और वो क्यों इसको हम देखेंगे बाद में सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि परिसीमन होता क्या है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि परिसीमन का अर्थ यहां पर है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को अपडेटेड जनगणना आंकड़ों के द्वारा पुनर्गठित करना अब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो हम बात करें किसी भी लोकसभा क्षेत्र की या विधानसभा क्षेत्र की और यहाँ पर अपडेटेड जनगणना का मतलब है कि जो भी नई गणना होती है जनगणना की उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और पुनर्गठन का मतलब है या रीएडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोकसभा क्षेत्र हैं हम उसकी सीमाओं में परिवर्तन करते हैं या तो उसमें नए क्षेत्र को शामिल करते हैं या किसी मौजूद क्षेत्र को हम वहाँ से हटा देते हैं या दूसरी तरफ अगर मान लें कि वह एक सामान्य क्षेत्र है तो हम उसे आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या अगर वो आरक्षित क्षेत्र है तो उसे हम सामान्य क्षेत्र में परिवर्तित कर सकते हैं ये है परिसीमन वहीं अगर हम परिसीमन के संवैधानिक व्यवस्था की बात करें मतलब ये कि क्या संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है तो संविधान में इसका उल्लेख है जैसा कि आप देख रहे हैं अनुच्छेद इक्यासी अनुच्छेद बयासी और अनुच्छेद 170 अनुच्छेद इक्यासी क्या कर रहा है वो देखिए अनुच्छेद इक्यासी परिसीमन के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जिसके अनुसार ये बात कही जा रही है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं चाहे वो लोकसभा से संबंधित हो चाहे वो विधानसभा से संबंधित हो सबको समान महत्व दिया जाना चाहिए मतलब ये कि हर एक कंस्टिट्युएसी को प्रतिनिधित्व करने वाला जो एक प्रतिनिधि है उसके पीछे जनसंख्या का लगभग एक समान संख्या होनी चाहिए या अनुपात होना चाहिए वहीं अगर हम अनुच्छेद बयासी की बात करते हैं तो अनुच्छेद बयासी यह कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्संयोजन की व्यवस्था करता है इसका मतलब यहां पर यह है कि जो जनगणना होती है उस जनगणना के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को री एडजस्टमेंट करना चाहिए यह अनुच्छेद बयासी करता है और अनुच्छेद 170 यह व्यवस्था किसके लिए करता है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के समायोजन की बात करता है वही अगर हम आगे इसके क्रियात्मक स्वरूप को देखें तो देखिए परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हो चुका है तो परिसीमन आयोग को परिसीमन आयोग अधिनियम उन्नीस सौ बावन और 2002 के अंतर्गत उसका गठन किया जा चुका है वही आपको यह बताते हैं सीट का समायोजन किया गया और उसके बाद समायोजन नहीं हुआ जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में क्या बात कही थी कि जो बात अभी दक्षिण की उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दो के बाद जो लोकसभा सीट के लिए उस परिसीमन का हम विरोध करेंगे तो यह कहानी प्रारंभ होती है उन्नीस के बाद से उन्नीस के बाद से दक्षिण राज्यों के द्वारा यह लगातार विरोध किया जाता रहा कि उनका प्रतिनिधित्व काफी घट जाएगा उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अगर परिसीमन किया जाता है उसी को देखते हुए आपातकाल के दौरान बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा दो ईस्वी तक अगले परिसीमन को रोक दिया गया चलिए यह कहानी चलती रही दो तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई लेकिन दो में जब परिसीमन की सीमा समाप्त हो गई या परिसीमन की रोक से संबंधित जो मियाद है जब वह समाप्त हो गई तो फिर लाया गया चौरासीवा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और इसके द्वारा क्या किया गया गया वो इसके द्वारा यह किया गया कि उन्नीस की जनगणना के आधार पर राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की व्यवस्था की गई ये तो क्लियर हो गया तो यहां पर ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पर ये बात कर रहे हैं राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की लेकिन उसके साथ ही एक काम ये किया गया कि 2026 तक संसद एवं राज्य विधानमंडलों में सीटें निश्चित कर दी गई मतलब यहां पर यह है कि जो राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उसके समायोजन की बात कर दी गई मतलब यहां पर यह है कि नए क्षेत्रों को शामिल करने की बात या मौजूद क्षेत्रों को घटाने की बात या आरक्षित को सामान्य करने की बात और सामान्य सीट को आरक्षित करने की बात यह तो कर दी गई लेकिन सीटें बढ़ाने की बात नहीं की गई कब तक रोक दी गई दो तक फिर क्या एक डेवलपमेंट हुआ डेवलपमेंट यह हुआ कि 2001 की जनगणना से संबंधित रिपोर्ट आ गई या आंकड़े आ गए तो उसके आने पर सत्तावें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह किया गया कि जो 1991 की जनगणना का आधार था उसको बदल दिया गया और बदलकर क्या कर दिया गया बदलकर कर दिया गया 2001 की जनगणना किसके लिए राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो समायोजन है उसके लिए फिर अगर हम आगे के डेवलपमेंट को देखें तो आपको यह बता दें कि 2002 में जिस परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत आयोग का गठन किया गया था उसके अंतर्गत उन्नीस सौ इक्यासी उन्नीस सौ और 2001 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद भी किसी प्रकार की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई चाहे वो संघ के स्तर पर हो चाहे वो राज्य विधानमंडल के स्तर पर हो आपको यहां पर एक बात यह याद रखनी होगी कि अनुच्छेद तीन के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित मतलब नोटिफाइड किए गए जो परिसीमन संबंधी आदेश होते हैं उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है फिर यहां पर मामला यह होता है कि परिसीमन को करने के लिए एक आयोग की व्यवस्था की जाती है तो फिर इस परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है तो इस परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसमें सहयोग कौन करता है तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश मतलब रिटायर्ड जज होते हैं दूसरे कौन होते हैं या तो स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे या मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा नामित कोई एक चुनाव आयुक्त और तीसरे कौन होते हैं राज्य चुनाव आयुक्त वो भी किस राज्य से उस राज्य से जिस राज्य में परिसीमन किया जाना है मतलब यह है कि संबंधित राज्य आयुक्त होते हैं वही अगर हम के की बात करें, तो सीमाओं को इस तरह से तय करता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो दूसरा यहां पर यह है कि परिसीमन आयोग उन सीटों की भी पहचान करता है जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जानी है उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर यह है कि परिसीमन आयोग को क्या जनता अपनी सलाह दे सकती है तो बेशक जनता अपनी सलाह दे सकती है या अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है और आदेश जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा दे दिया जाता है या नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा जारी कर दिया जाता है तो फिर उस तिथि से परिसीमन आयोग की संस्तुति को लागू कर दिया जाता है या लागू हो जाता है अब हम बात करते हैं दक्षिण राज्यों की उस चिंता की जिसके कारण यह बात कही जा रही है कि 2026 के बाद लोकसभा सीटों का अगर परिसमन किया जाता है तो फिर उसका हम विरोध करेंगे दक्षिण के राज्य मिलकर एक साथ देखिए दक्षिण के राज्य यह कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनको शानदार सफलता मिली भी है वह इस तरीके से कि अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो पांच राज्य दक्षिण के आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल तमिलनाडु और तेलंगाना अगर हम यहाँ की कुल आबादी को लें तो यह भारत की कुल आबादी का सिर्फ 18 प्रतिशत हिस्सा है वहीं अगर हम देखें कि जो आंकड़े वो आंकड़े बताते हैं कि कुछ समय के लिए इन राज्यों की कुल प्रजनन दर जो राष्ट्रीय औसत है प्रजनन दर की उससे कम रही और यहां तक कि जो प्रतिस्थापन दर है उससे भी कम रही और यही अगर हम इसकी तुलना करें उत्तर भारत के राज्यों से तो मतलब जैसे हम बिहार उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हो तो वहां अभी भी प्रतिस्थापन दर बहुत अधिक है और टोटल फर्टिलिटी रेट भी वहां पर ज्यादा है तो मतलब यहां पर यह है कि अब आप देखिए क्या है कि आप जनसंख्या के एक निश्चित अनुपात में एक प्रतिनिधि को भेजेंगे लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का यह कहना है कि हमने तो जनसंख्या नियंत्रण कर लिया लेकिन उत्तर भारत के राज्यों की दर जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया इसका मतलब यहां पर यह कि दक्षिण राज्यों से लोकसभा में कम प्रतिनिधि जाएंगे तुलनात्मक रूप से उत्तर भारत से और फिर यहां पर बात होकर अगर यह ऐसा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का खतरा दक्षिणी राज्यों पर ज्यादा होगा जो उनके दिमाग पर हावी है वही उनका यह कहना है कि हमने जो जनसंख्या पर नियंत्रण किया है तो क्या उसके लिए हमें सजा मिलेगी बेशक नहीं उसके लिए हमें सजा नहीं मिलनी चाहिए और अगर दक्षिण के राज्यों से लोकसभा में प्रतिनिधि कम जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यह जनसंख्या नियंत्रण के मामले में उन्हें एक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा बल्कि ऐसा लगेगा कि उनको दंडित किया जा रहा है उनको पनिशमेंट मिल जा रहा है साथ ही साथ उनका यह कहना है कि अगर हम दक्षिण के राज्यों के आर्थिक क्रियाकलाप को देखें तो उत्तर के राज्यों की तुलना में उनका आर्थिक क्रियाकलाप भी काफी अच्छा है जैसे आंकड़े ये बताते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में उनका हिस्सा कितना है पैंतीस प्रतिशत और साथ ही साथ अगर पर कैपिटल रेवेन्यू जनरेशन की भी हम बात करें तो उत्तर के राज्यों से उनका पर कैपिटल रेवेन्यू जनरेशन काफी ज्यादा है इसलिए इनका यह कहना है कि केंद्र में जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाएंगे उसमें जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए अब यहां पर यह है कि ऐसा नहीं है कि उस समय की सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी जैसा कि आपने क्या देखा कि बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा जो परिसीमन है उस परिसीमन को 2000 तक टाल दिया गया फिर हमने क्या देखा कि 2001 में फिर एक संशोधन किया गया एक अधिनियम लाया गया जिसमें 2026 तक लोकसभा की सीट को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो मतलब यहां पर यह है कि दक्षिण के राज्यों की जो आपत्ति थी उसको केंद्र की के सरकार ने अनसुना नहीं किया अब हम जरा आते हैं उत्तर भारतीय राज्यों पर देखिए उत्तर भारतीय राज्यों का यह कहना है कि अगर वर्तमान समय में हम देखें तो एक प्रतिनिधि पर जनसंख्या जितनी रहनी चाहिए वह जनसंख्या नहीं है उत्तर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि के पास मतलब यहाँ पर यह है कि उत्तर भारतीय राज्यों के लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनके पीछे जनसंख्या को अगर हम देखें तो दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधियों की तुलना में काफी ज्यादा है उससे होता यहां पर यह है कि हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में जो फंड आते हैं खर्च करने के लिए तो उत्तर भारत में प्रति व्यक्ति के हिसाब से वह जो फंड है वह काफी कम हो जाता है दक्षिण राज्यों की तुलना में साथ ही साथ उत्तर भारतीय राज्यों का यह कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है केवल नीति बनाने से काम नहीं होता उस पर यह भी निर्भर करता है कि एक विशेष क्षेत्र की आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है रीति रिवाज कैसे हैं तो सामूहिक रूप से जनसंख्या नियंत्रण में सामाजिक आर्थिक कारकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथ ही साथ यह बात भी ध्यान में रखने की है कि जिस फेडरल स्ट्रक्चर या जिस संघी व्यवस्था की हम बात करते हैं उस संघी व्यवस्था के अंतर्गत केवल यह जरूरी नहीं है कि केंद्र और राज्य के